गाइस और स्वागत है आप सभी का अल्फा अपडेट्स पे, जिस पे हर टाइप के अपडेट्स दी जाती है आपको। तो इस चैनल पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताया जाता है, वर्क फ्रॉम होम के भी बारे में बताया जाता है और प्राइवेट जॉब के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर टाइप के जॉब के बारे में अपडेट्स मिले और आप उसको तुरंत से तुरंत अप्लाई कर सको। तो यहाँ पर अभी हम लोग अमेजॉन के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन पे अमेजॉन के बारे में है। ये अमेजॉन के द्वारा ये जॉब हायर की जा रही है। तो अमेजॉन जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अमेजॉन को तो ज़रूर सब जानते होंगे, क्योंकि अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है और अगर ये जॉब हायर कर रही है तो ये जॉब बहुत अच्छी होगी, ये सभी जानते हैं। और ये वर्क फ्रॉम होम है, सबसे अच्छी बात। तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं अभी एलिजिबिलिटी बताने वाली हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और आपको कैसे अप्लाई करना है, वो भी सारा प्रोसेस मैं अभी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो जो मैं आपको लिंक दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आपको जाना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट जो आपका पेज खुल के आएगा वो ये है, अबाउट अस। यहाँ पे अबाउट अस में यहाँ पे बताया है अपने बारे में, अपने जॉब के बारे में डिस्कशन किया है और यहाँ पे कैसे कैसे ये अमेजोन का कहाँ कहाँ लोकेशन है ये सब बताया हुआ है। तो अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि 140 कंट्रीज़ में ये क्या करता है, ऑपरेट्स करता है अपनी टीम को। 140 लोकेशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि अमेजोन जो है ये वर्क करता है, टीम वर्क होता है इसका। और यहाँ पे 24/7 ये मतलब सपोर्ट करता है, जो भी कस्टमर को यूज़ होता है, कुछ भी ज़रूरत होता है तो वो यहाँ पे 24/7 यहाँ पे पूरी अवेलेबल होती है, इसकी वर्क ऐसी होती है। फिर यहाँ पे देखिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स इन इंडिया आर प्रोवाइडेड विद एक्सपर्ट ट्रेनिंग नीडेड। तो यहाँ पे इंडिया में भी होता है, इंडिया में डिफरेंट लोकेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, भोपाल है, तो वैसे वैसे करके पूरी लोकेशंस यहाँ पे दी हुई है। आप चेक कर सकते हैं, जो आपके लिए नियर हो, अच्छा हो, तो वो वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, बेनिफिट्स एट अमेजॉन कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी मिलती है, जैसे कि अगर आप सोडेक्सो में, जो कि आपको कैंटीन का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से खाना, और वो क्या होता है, चेक होता है कि आपको सही से प्रोसेस होके सही से सब कुछ जा रहा है या नहीं। अगर आपको वहाँ पे किस तरह की कमी लगती है तो आपको तुरंत वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए भी होते हैं सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी होते हैं पर्सन होते हैं वहाँ पर। और फिर यहाँ पर 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलता है। फिर नाइट शिफ्ट अलाउंस भी होता है, तो यहाँ उसमें भी आपको, जैसे आप नाइट शिफ्ट वर्क करते हो तो उसके लिए सैलरी ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पे अगर ओवर टाइम अलाउंस करते हो तो ओवर टाइम अलाउंस में, जैसे कि अगर आप ओवर टाइम 9 बजे की बात करते हैं तो उसके बाद भी आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलता है, जैसे 200-300 लगभग वहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होगा, जैसे कि 200-300 लगभग हुआ, तो अगर 300 हुआ तो 3009 मतलब आपका 9000 सैलरी में इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर बाय द वे आपका सैलरी 30000 है तो उसमें 9000 और ऐड हो जाएगा, मंथली आपका वो बन जाएगा 39000। तो इस टाइप से वहाँ पे ये भी होता है ओवर टाइम अलाउंस का। फिर आपको इंटरनेट अलाउंस भी देता है वो, तो इस टाइप की बेनिफिट्स होती है अमेजोन में। फिर यहाँ पर अपना रोल्स के बारे में बताया हुआ है कि इसकी जैसे रोल कैसे है, ये कैसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये कुछ बताया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अगर रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है, तो वो कहाँ से करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे रजिस्टर करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखना चाहते हो इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, एज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस यू विल नीड टू रजिस्टर ट्वाइस। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, फर्स्ट ऑन द इंडिया कस्टमर सर्विस साइट होस्टेड। तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, कैसे, फर्स्ट ऑन द इंडिया कस्टमर साइट होस्टेड एट अमेजोन कस्टमर सर्विस hirepro.in। पहले आपको यहाँ से अपने को रजिस्टर करना है अमेजोन कस्टमर सर्विस hirepro.in से। फिर जो सेकंड है, ऑन द ग्लोबल कस्टमर सर्विस साइट बेस्ड ऑन यू पासिंग द प्रीलिम एग्जामिनेशन, इंग्लिश टेस्ट जो होता है वहाँ पे असेसमेंट टेस्ट भी होता है आपका, वहाँ पे टेस्ट होगा, उसके थ्रू भी यहाँ पे क्या होता है, उसमें सेकंड वहाँ पे अप्लाई करना होता है, जैसे सेकंड ऑन द ग्लोबल कस्टमर सर्विस साइट। पहले आपको ऑन द इंडिया कस्टमर सर्विस साइट यहाँ से रजिस्टर करना है, देन आपको सेकंड ऑन द ग्लोबल कस्टमर सर्विस साइट। तो ये सेकंड बार मतलब यहाँ पे रजिस्टर करना है। स्क्रीन विल टेक यू टू एडवांस असेसमेंट,
आफ्टर यू रजिस्टर द सेकेंड टाइम एज गाइडेड बाई द स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर आप करते हो जो आपका दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले एडवांस होगा असेसमेंट आफ्टर यू रजिस्टर द सेकेंड टाइम एज गाइडेड बाई द स्क्रीन। जब आप सेकेंड टाइम करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवांस असेसमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नोट प्लीज़ यूज़ द सेम ईमेल एड्रेस, जैसे कि आप रजिस्टर करोगे ना दोनों में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में यूज़ किया आपको वही ईमेल आईडी सेकंड में भी यूज़ करना है। फिर जो है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जानना है असेसमेंट के बारे में, तो असेसमेंट के बारे में जानना है तो इसमें कैसे कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अगर रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो उसके बाद होगा इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल बी इन्वाइटेड टू कम्प्लीट सेवरल ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। जैसे इसमें टेस्ट होगा, जैसे प्रिलिमिनरी इंग्लिश टेस्ट होगा, फिर आएगा वर्क स्टाइल असेसमेंट, फिर आएगा वर्स एंड फोर स्किल टेस्ट, CA सिमुलेशन। तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या क्या होना चाहिए, आपका कैसे टेस्ट होगा। ऑल असेसमेंट्स आर फॉर इंडिविजुअल इवेल्यूशन अलोन, एनी कैंडिडेट्स अलाउिंग अनदर पर्सन टू टेक द इवेल्यूशन इन हीज और हर प्लेस और फाउंड इन्वॉल्व इन इम्पर्सनैलिटी वेबिलिटीज। जैसे कि आप ही होने चाहिए अगर आप अप्लाई किए हो तो, अगर कोई और पर्सन यहाँ पे मतलब टेस्ट के टाइम में हो जाएगा, अगर आके वो करता है कुछ, आपका इवेल्यूशन करता है, आपके हेल्प करता है, तो वो वहाँ से डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पूरे डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके बारे में, रूल्स को जान सकते हो कैसे कैसे होगा। अगर आपको देखिए यहाँ प्रिलिमिनरी इंग्लिश टेस्ट होगा तो वो इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, इसमें अगर आप ओपन करोगे तो क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। फिर आता है आपका पोस्ट असेसमेंट। पोस्ट असेसमेंट में क्या है, बेसिस योर असेसमेंट स्कोर्स इफ़ शॉर्टलाइज यू विल बी नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आप शॉर्टलाइज हो जाते हो, सारा टेस्ट पास कर लेते हो आप, तो यहाँ पे होता है आपका फिर HR डिस्कशन होगा टू वैल्यूएट योर कैंडिडेचर। फिर उसके बाद आपको सैलरी के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ पे आपको सैलरी तक कितने तक पे करेंगे। देन यू विल बी इनवाइटेड फॉर ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन। फिर आपको हायर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। फिर यहाँ पे यू विल बी आस्क्ड फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। फिर उसके अलावा भी अगर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होगा तो मतलब उनको ज़रूरत होगा तो वो आपको बोलेंगे, तो फिर आपको जमा करना होगा। फिर यहाँ पे आफ्टर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यू विल बी प्रोवाइडेड द ऑफ़र लेटर। तो फिर अगर आपका सारा कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको ऑफ़र लेटर आएगा, आपके मतलब घर पे पहुँच जाएगा बिफोर योर ज्वाइनिंग डेट, एक वीक पहले आ जाएगा आपके ज्वाइनिंग डेट से। यू विल बी सबमिटिंग योर पैन नंबर एंड ई आधार डॉक्यूमेंट थ्रू माई डॉक्स। यहाँ पे आपको पैन नंबर और आधार नंबर अपने यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को माई डॉक्स पोर्टल के थ्रू। यहाँ पे इवेल्यूएशन होगा, ठीक है, तो इसके थ्रू ही क्या होना है, आपको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, आपके पास क्या होना चाहिए इसके लिए, तो आपके पास वैलिड एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले का ये काम होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए वैलिड, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूर होना चाहिए, तभी आप लोग इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जब पेमेंट करेगा तो यहाँ से सब कुछ आपका क्या होना चाहिए, सारा कुछ तो ऑनलाइन ही होगा, तो ऑनलाइन में आपका सारा अप टू डेट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि आप यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल रखें, पैन कार्ड हो या अकाउंट नंबर हो, सारा कुछ, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर बात हो गई होगी। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे है फाइंड जॉब्स, आपको फाइंड जॉब्स पे क्लिक करना है। देन आपका जो स्क्रीन पे खुल के आएगा वो ये पेज है। तो इस पेज में अगर आप देखते हो तो वेट थोड़ा सा, फिर यहाँ पे अगर देखते हो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा जॉब के बारे में आया है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए भी है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया के लिए देखेंगे, तो इंडिया के लिए अगर आप जैसे वर्चुअल टेक्निकल, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक्निकल के लिए भी है, तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप टेक्निकल फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस, वर्चुअल कस्टमर, वर्चुअल यहाँ पे कहने का मतलब ये वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। तो फिर यहाँ पे डिजिटल सर्विस टेक्निकल सपोर्ट हैदराबाद, टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है। तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस इंडिया, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। तो अगर इस पे करते हैं अप्लाई, तो फिर आपका जो स्क्रीन पे खुल के आएगा वो ये देखिए है, स्क्रीन पे जो ओपन हुआ है आपका। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो स्क्रीन पे आएगा वो देखिए यहाँ पे जॉब रोल, तो यहाँ पे हम लोग जॉब के बारे में देखते हैं, ठीक है। व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन,
फिर यहाँ पे अगर आप खोलते हो तो यहाँ पे क्या है, एन अमेजन कस्टमर सर्विस एसोसिएट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर मिशन टू डिलीवर टाइमली एक्यूरेट एंड प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस टू ऑल अमेजन कस्टमर्स। तो इसमें अपने बारे में ये बताया है कि हम लोग का जितनी भी कोशिश होती है, अमेजन की कोशिश होती है कि सारे कस्टमर की वो फुलफिलमेंट करे सारा कुछ के बारे में, और टाइम टू टाइम सब कुछ अपडेट करके वो लोग पहुँचा दें, सब कुछ टाइम से दें और सब कुछ अच्छे से दें। यहाँ पे अपने बारे में पूरा लिया यहाँ पे दिया हुआ है कि एसोसिएट्स कम्युनिकेट विथ कस्टमर प्राइमरी विथ मेल चैट एंड फ़ोन कैन बी हायर्ड फॉर एनी स्किल एट स्टेटस फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये अपने बारे में बताया है कि ये कैसे हेल्प करना चाहते हैं कस्टमर को और हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे अमेजोन के द्वारा बताया गया है। फिर यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए आपको, सब कुछ जो नॉलेज होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको रिटन एंड वर्बल भी अच्छा होना चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली, कस्टमर से अच्छे से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, बात करने के तरीका अच्छे होने चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे होना चाहिए। एक्सेलेंट डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, गुड कम्प्रिहेंशन स्किल्स, एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड स्टेट द इशूज़ कस्टमर प्रेजेंट, कोई भी कस्टमर को इशूज़ आते हैं तो उसको आप सॉल्व करें, रिजॉल्व कर सके, उसके लिए आपका अच्छे कम्युनिकेशन होना चाहिए कस्टमर के साथ। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे विंडोज़, XP, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। फिर आता है कस्टमर फोकस, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कस्टमर फोकस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है कि आपको कस्टमर से कैसे बात करना है और उन्हें मतलब कि कस्टमर्स को अच्छी मतलब फील करानी होगी कि हाँ भाई ये अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, प्लस में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको क्या होना चाहिए मेनली है इसमें कि कस्टमर से आपकी जो इंटरेक्शन होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो कि क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम इसकी क्वालिफ़िकेशन 10+2 है, और आपका जो हायर डिग्री होना चाहिए, हायर डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन अगर आप 10+2 भी हैं तो भी आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 12th पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट या फिर PG भी लोग भी क्या है, एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। अबाउट amazon.com, ये अपने बारे में यहाँ पे बताया है कि अमेज़न के बारे में अगर आपको जानना है, अबाउट amazon इन इंडिया, इंडिया में कैसे वर्क करता है वो भी बता यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं सारा कुछ। अगर इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको कैसे फिल करना है, तो पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है, जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, देन आपका उसका लास्ट नेम डालना है, फिर आपको ईमेल आईडी अपना डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे अपना जेंडर जो भी होगा, फिर देन यहाँ पे डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो करना है। फिर आपको यहाँ पे सोर्स करना है जो हाउ डिड यू हियर अबाउट, तो आप जैसे कुछ भी कर सकते हो, आप जैसे भी आपको पता चला। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको जो भी आपका लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, बंगाली है, सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिसेबिलिटी अगर है तो येस, नहीं है तो नो। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आप एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स करेंगे। अदर डिटेल्स में क्या, आर यू विलिंग टू वर्क इन ए नॉन टेक्निकल कस्टमर, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर प्लीज़ कंफर्म डैट यू आर करंटली रिसाइडिंग, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या करना है, यूज़ कैमरा करके आपको फोटोग्राफ जो है यहाँ पे अपलोड करना है। फिर देन आपका यहाँ पे कॉन्सेंट जो है इसको आपको टिक करना है, सारा को आई एग्री करना है। फिर देन आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको आई अग्री करना है, उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो आपका सारा और डिटेल्स आ जाएगा, सारा आपका कंप्लीट डिटेल्स हो जाएगा, और वो आपका मेल पे आ जाएगा नोटिफिकेशन कि आप इसमें रजिस्टर हो। देन आपका सेकंड जो पोस्ट असेसमेंट का काम होता है वो आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, तो होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होगी, और बाकी यहाँ पे आप लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं, अगर किसी तरह की डाउट होती है तो आप यहाँ पे लिंक में देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है लिंक में, इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।